मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाला मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव है अभी बहुत नज़दीक है और इसके बारे में जो है आप सभी लोग जानते हो, तो मुमरा टोसा के लिए खास करके ये सुविधा जो है मुमरा में एक उपलब्ध की गई है कि चुनाव आयोग की तरफ से कि हाँ ये जो है जैसे कि जो चुनाव जो वोट डालने वाले लोग रहते हैं उनके लिए गाड़ियां इंतजाम की गई है, बस है और या रिक्शा है या टेम्पो है, उनका जो भी है वो सब इंतजाम किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कहाँ चुनाव होएगा और किस जगह पे आपको जो है वोट डालना है, ये सब जो है जानकारी के लिए आज जो मुमरा MA मोहली में जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुभाष सर ने बताया है, कुछ पूरी जानकारी उसके बारे में दी है। और दूसरी चीज़ है ये भी एक जानकारी दी है कि महिलाओं के लिए वहाँ पर जो चुनाव जो वोट डालने जाएंगे उनकी तरफ से एक महिला रहेगी जो कि बुर्का उठाकर उनका चेहरा देखेगी और उनके ID से जो है उसको मैच करेगी ताकि कोई फर्जी जो है वोट ना डाल सके। आइए सुनिए सुभाष सर आपको कैसा जानकारी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आइए उनकी जवानी सुनिए। मुमरा कलवा विधानसभा मतदार सभा में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इलेक्शन के कंटेस्ट में जितनी भी तैयारी है, वो पोलिंग स्टेशन की तैयारी करनी हो सभी पोलिंग स्टेशन की तैयारी हमने पूरी की है। इस पोलिंग स्टेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि पहले इससे पहले जो मतदान केंद्र फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे थे वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत आप सभी को इजी अप्रोच हो, जो बूढ़े हैं बीमार है या जो जिसको अस्थि व्यंग है उसको इलेक्शन में वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सभी पोलिंग स्टेशन ये ग्राउंड फ्लोर पे ली गए हैं। वो जहाँ भी ग्राउंड फ्लोर पे ली गए हैं जहाँ वहाँ रैंप की सुविधा की गई है, पोलिंग स्टेशन पे जितनी भी फैसिलिटी है वो सब अश्योर मिनिमम फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। जहाँ भी यहाँ कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, 87 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पोलिंग स्टेशन ओपन पैंडल में है वो ओपन पैंडल में वाटर प्रूफिंग मंडप किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन वो पहले ही जगह रहने की हमने कोशिश की है, जहाँ इम्पॉसिबल है वहाँ उससे करीब जहाँ स्कूल है वह स्कूल में शिफ्ट किए हैं। जो मतदार यादी है वो पहले 31 अक्टूबर की जो मतदार यादी है वो बेसिक मतदार यादी है, उसके बाद के जितने भी वोटर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया 24 तारीख तक वो सभी का नाम जिसका नाम अभी पुरोनी में आएगा वो पुरोनी के साथ वो टोटल वोटर्स की यादी वहाँ रहेगी। यहाँ दूसरी फैसिलिटी EVM और बाकी की जो फैसिलिटी है, EVM का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डेसिग्नेशन प्लेस वहाँ फिक्स किया है, उसी प्लेस में वो जितने भी EVM प्रिपरेशन है वो यही प्लेस में होने वाला है, वो उसका स्टोरेज भी यही होने वाला है। जो पोलिंग स्टेशन पे मतदान केंद्र जाने वाले हैं उसके बाद जो रिसीविंग होगा वो यही लोकेशन में EVM का रिसीविंग होगा और वो वही स्टोर किए जाएंगे। यह काउंटिंग का सेंटर भी वो स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बीच बहुत कम अंतर रखा है, उसका अप्रोच रखा है, वो सब सिक्योर प्लेस है और उसको कहीं भी वो परमानेंट प्लेस है, वो इमारत जो है बिल्डिंग वो अच्छी कंस्ट्रक्ट की वाली बिल्डिंग है। यहाँ जो ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं सभी पोलिंग स्टेशन में जितना भी स्टाफ लगेगा वो सभी स्टाफ वहाँ नियुक्त किया गया है, पूरे सा स्टाफ 125% जितना लगता है उससे 125% हमारे पास स्टाफ है। उसकी जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग 27 को यहीं पे होगी, सेकंड ट्रेनिंग 11 तारीख को यहीं पे होगी और थर्ड ट्रेनिंग या डिस्पैच वो 20 अक्टूबर को इसी जगह पे होगी, जिस दिन इसी जगह पे दो जगह यहाँ बाइफर्केशन किया है, UM डिस्ट्रीब्यूशन का अलग जगह रखा है इसी जगह पे और ये सामने की जो बिल्डिंग है उसी से अदर जो का मटेरियल है वो उसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी जगह पे रिसीव होगा। यहाँ जितना भी कुछ प्रिकॉशन लेना है, पुलिस का जो का प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, CRPC का 107 109 110 और प्रिवेंटिव एक्शंस में एक्सटर्न मैन और बाकी से सब दारूबंदी के जो कायदे हैं उसी के जब सब प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं, पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हो गई है,
आज हमने पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, उनके साथ भी डिटेल बातचीत हो गई है, उनसे पूरा गाइडेंस दिया है, उसके जो शंका समाधान है, जो क्वेश्चन पूछे हैं उस सभी क्वेश्चन के ऊपर उनको सेटिस्फाइड जवाब दिया है और उन्होंने ये जो व्यवस्था की है उसके ऊपर समाधान व्यक्त किया है। आप सभी के सहयोग के लिए मेरा खूब खूब धन्यवाद और सभी उम्मीदवार और सभी मतदारों के लिए मैं यहाँ आह्वान करता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट की व्यवस्था, निवडणूक निर्णय अधिकारी की व्यवस्था ही आप सभी के लिए फैसिलिटेटर के मूड में है और सभी को जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ जहाँ काम है, वह सब हम फैसिलिटेटर की भूमिका में प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ इतनी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के दिन वहाँ के मतदान उत्सव में सहभाग लें। थैंक यू सर। सर सिर्फ एक सवाल, चुनाव आचार संहिता का भंग होता है तो उसके लिए शिकायतकर्ताओं को कहाँ शिकायत करनी है? शिकायत आप थेट हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक कक्ष, आचार संहिता कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ भरारी पथक हर टाइम 24/7 फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति की गई है। वो 3 स्क्वाड 8-8 घंटे के लिए रोटेशन में डे नाइट ये करते रहेंगे। और अगर ऐप को करना है तो सी विजिल नाम का ऐप है, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो कंप्लेन में आपके लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, वो सब डिटेल आते हैं। वो फोन से भी आपकी तकरार है वो 100 मिनट के अंदर कि हम उसको ट्रैक करेंगे। वहाँ हमारे जो कुछ ये है वो सी विजिल के ऐप से ही हमको, हमारे टीम को तकरार अलॉट की जाएगी और हमारी वो टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड है, SST, APST और VST जो जिसको अलर्ट की गई है वो वहाँ पहुँच जाएगी और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर जहाँ आचार संहिता का भंग होता है वहाँ जो नियम है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर संवेदनशील जितने बूथ हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सर? संवेदनशील अभी बूथ निषेधी को मान्यता मिलनी है, उसके बाद तुरंत ही जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमने आइडेंटिफाई किए है। वो क्राइटेरिया हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के DM और कमिश्नर साहब और उनकी जो टीम रहती है वो टीम उस पर चर्चा करके ऑब्जर्वर साहब के साथ वो सब डिसाइड करेंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।